एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, इसको लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा मीम्स बनता है, बहुत इसका मजाक उड़ाया जाता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में, किन लोगों के लिए अच्छा है, किन लोगों के लिए सही नहीं है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि सभी का अपना अच्छाई या बुराई होता है। और इस वीडियो में हम इन डेप्थ जानेंगे। और अगर आप एफडी को अच्छा समझते हैं या एफडी को आप बुरा समझते हैं, तो आपका हो सकता है कि पर्सपेक्टिव बदल जाए इस वीडियो को देखने बाद, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों तरीके से बात करेंगे, अच्छाई भी और बुराई भी, किन लोगों के लिए अच्छा है, किन लोगों के लिए बुरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो फिक्स डिपॉजिट, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट होता है, वैरी करते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है टाइम टू टाइम। एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है और हमारे देश का जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कहने का मतलब महंगाई दर 6.5% है और 7 से 8% का एफडी का रिटर्न है। यही पे प्रॉब्लम होता है कि जो महंगाई दर है एफडी उसको बीट नहीं कर पाता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो परचेजिंग पावर है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल समझिए, आप इस साल 100 रुपये में मान लीजिए कि आप एक बिस्किट खरीद पाते हैं, लेकिन वही बिस्किट आप अगले साल हो सकता है कि 102 रुपये, 103 रुपये, 105 रुपये में वही बिस्किट आप खरीद पाएंगे। तो इसको महंगाई दर बोलते हैं, जो हर साल बढ़ता है। एफडी का जो रिटर्न है वो 7 से 8% है और इसको लॉन्ग टर्म में बीट नहीं कर पाता है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, यानी आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता है, महंगाई दर को बीट नहीं कर पाता है, यानी परचेजिंग पावर आपका नहीं बढ़ पाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिक्स डिपॉजिट का। तो आप समझ गए फिक्स डिपॉजिट को, अब समझते हैं कि ये किन लोगों के लिए अच्छा है, किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट किन लोगों के लिए सही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एज क्राइटेरिया में हैं, आपका रिस्क लेने का क्षमता क्या है। तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग लोगों का रिस्क एपेटाइट होता है, और ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप जो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उस पर कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना सेफ खेलना चाहते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सेफ होना चाहते हैं, जिन लोगों को मार्केट के उतार चढ़ाव से या किसी चीज़ में ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, वो रिटायर होता है उसमें अगर इन्वेस्ट करके, वो उनको रात में नींद नहीं आता है, ऐसे लोगों के लिए एफडी इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल। लेकिन अगर आपका एज क्राइटेरिया 20 है, 20 से 40 के बीच का है, जैसे कि मैं इसी एज क्राइटेरिया में लाइक करता हूँ, मैं 20s में हूँ अपने, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे लिए एफडी अच्छा है या जो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो अच्छा है, तो मैं बोलूँगा कि एफडी मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास लाइबिलिटी नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर 10,000 है तो मुझे उसका एफडी करना चाहिए। अभी मैं जिस एज क्राइटेरिया में हूँ, मैं अभी रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर वो पैसे डूब भी जाते हैं रिस्क लेने के चक्कर में और ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। लेकिन यही जो लोगों का शादी हो चुका है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो 40+ के जो भी लोग हैं, वो लोग प्रीफर कर सकते हैं एफडी को, क्योंकि वो चाहते हैं अपने लाइफ में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं, और हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी आ जाए और स्टॉक मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि उस टाइम स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंपल सा है, उन लोगों के लिए एफडी अच्छा है जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं और जो इस एज क्राइटेरिया में आते हैं, जो रिस्क कम ले सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं उनके लिए एफडी है। और जो लोग रिस्क ले सकते हैं, यानी जो एज क्राइटेरिया में आते हैं 20 से 40 वर्ष के उम्र में और थोड़ा बहुत वो रिस्क ले सकते हैं जिससे उनका रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए, तो उनके लिए अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब आप प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप समझिए कि किन लोगों के लिए अच्छा है, किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अब हम समझते हैं एफडी जो है उसके डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है, क्योंकि सभी चीज़ों का अच्छाई और बुराई होता है। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एफडी का वो है डिसिप्लिन आता है, क्योंकि डिसिप्लिन इन द सेंस कि अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, और जब तक आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना आ जाए ना, तो आप उसको एफडी को तोड़ेंगे नहीं। तो इससे डिसिप्लिन हमारा बिल्ड होता है, जो कि अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, स्टॉक मार्केट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इक्विटी की बात करूं, तो उसमें हम लोग ये तो बोलते हैं कि रिटर्न बहुत ही अच्छे आते हैं, सही भी है रिटर्न आते हैं, लेकिन कितना लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। आप एफडी करके, एक एफडी करके 5 साल से 8 साल 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं, क्या आप ये सेम चीज़
किसी एक स्टॉक या एक पोर्टफोलियो आपने एक बार बिल्ड कर दिया और उसको आप 5 साल 7 साल 8 साल के लिए छोड़ सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। जिन लोगों को 20% 30% रिटर्न बन जाता है स्टॉक मार्केट में, वो अपना जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, उसको बुक करते हैं, जिससे डिसिप्लिन नहीं आ पाता है और बड़ा जो वेल्थ है वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, बना नहीं पाते हैं। जिस कारण बोला जाता है कि FD से अच्छा स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, वही आप सिंपल रूल ब्रेक करते हैं डिसिप्लिन नहीं अपना के। तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज मुझे लगता है फिक्स डिपॉजिट का, वो है डिसिप्लिन आता है, आप लंबे टाइम तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है फिक्स डिपॉजिट का। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है FD, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका जो पैसा है लगभग उतना ही रहता है या उससे थोड़ा बहुत कम ही हो जाता है, आपका पैसा अप्रिसिएट नहीं हो पाता है, ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं, जो एक मुझे डिसएडवांटेज लगता है, क्योंकि आप अपना ही पैसा को ब्रेक कर रहे हैं, आप अपने ज़रूरत के कारण निकाल रहे हैं, तो उसमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये हमारे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए है, लेकिन मैं इसको एक डिसएडवांटेज मानता हूँ। तो यहाँ पे आपने समझ गया कि एडवांटेज क्या होता है FD का और डिसएडवांटेज क्या है। तो आशा करता हूँ कि आपको पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा, FD किन लोगों के लिए अच्छा है, किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा है भी या नहीं है। कोई भी चीज़ अच्छा, सिर्फ अच्छा और सिर्फ खराब नहीं होता है, उसके दोनों साइड होते हैं, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो जो लोग हमारे एज में जितने भी लोग हैं उनके लिए FD, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, मैं प्रीफर नहीं करता हूँ पर्सनली, तो मैं भी आपको बोलूँगा कि अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको देखना चाहिए। और आप 40 प्लस के हैं तो आपको थोड़े बहुत FD भी करने चाहिए, जिससे कोई भी इमरजेंसी आता है तो इमरजेंसी के टाइम में वो पैसे आपको उपलब्ध हो और जो आपका रिस्क है वो भी कम हो जाए, थोड़े बहुत जो आपको रिटर्न है 7 से 8% का वो मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा है, कोई सजेशन है या कुछ आप पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे आप अगला वीडियो चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।